आज हम लोग जा रहे हैं मॉन्ट्रियक्स। ये एक रिजॉर्ट टाउन है जो कि लेक जिनीवा पे बना हुआ है एंड इट इज सराउंडेड बाय विनियर्ड्स। सो आइए बने रहिए हमारे साथ, हमारा हम सफर बनके। सो लेट्स गो। और उसके बाद जाएंगे जिनीवा और आप बने रहिए। और बासल जी आज जबरदस्त फॉर्म में है। और अब हम पहुंच चुके हैं मॉन्ट्रियक्स। इंटरलाकिंग से मॉन्ट्रियक्स अराउंड 150 किलोमीटर दूर है और यहां पहुंचने के लिए लगभग आपको 1 hour 40 minutes लगेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और हम आपको मॉन्ट्रियक्स घुमाते हैं। मॉन्ट्रियक्स की कुछ बीच साइट्स दिखाते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं। सो बने रहे हमारे साथ। Montreux is a traditional resort town on Lake Geneva. और अगर आप जिनीवा जा रहे हैं तो हमारे रिकमेंडेशन है आप यहाँ पर छोटा सा हॉल्ट ले सकते हैं और Montreux को हाफ अ डे में घूम सकते हैं। और जब हम यहाँ पर जुलाई में पहुँचे थे तो वहाँ पर जैज फेस्टिवल चल रहा था, Montreux जैज फेस्टिवल। तो हमने भी उस जैज फेस्टिवल में खूब इंजॉय किया। जैज फेस्टिवल इंजॉय करने के बाद हमने यहीं पर ही लंच किया। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ पर बैठ के आराम से लंच कर सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पूरी लेन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं और उस फ्लावर्स में फ़ोटो क्लिक तो बनती ही है, तो हमने भी यहाँ पे अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ क्लिक कराई।
यहाँ पर आपको काफी आर्टिस्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपका लाइफ पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपना एक लाइफ पोर्ट्रेट इनसे बनवा सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं जिनीवा। मॉन्ट्रेक्स से जिनीवा लगभग 95 किलोमीटर दूर है और इस नए यहां पहुंचने के लिए लगभग हमें एक घंटा लगेगा बाय कार। और अब हम पहुंच गए हैं जिनीवा। कार पार्क करके सिटी को अब हम सब लोग एक्सप्लोर करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जिनीवा इज अ ग्लोबल सिटी, a financial center and a worldwide center for a diplomacy because of the presence of the international organizations such as United Nations and Red Cross. और अब मैं आपको लेके चलती हूँ जिनीवा के फेमस स्पॉट पे जो है जिनीवा वाटर फाउंटेन। और ये जिनीवा वाटर फाउंटेन इज द लार्जेस्ट फाउंटेन इन स्विट्जरलैंड और ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये यूट्यूब वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।